आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए गले की फांस बन चुका है। इस मामले में हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी समन भेजकर पूछताछ कर रही है। सोमवार 8 अप्रैल को ईडी ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार और पार्टी के विधायक और प्रवक्ता दुर्गेश पाठक को तुगलक रोड स्थित मुख्यालय में बुलाकर दोनों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। दुर्गेश पाठक पार्टी के सह प्रभारी भी है। जाँच एजेंसी इन दोनों से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी के वरिष्ठ अफसर ने बताया कि दोनों को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ दिन पहले ईडी ने समन भेजकर सोमवार 8 अप्रैल को दोपहर जांच के लिए शामिल होने के लिए कहा था। सोमवार को दोनों तय वक्त पर ईडी दफ्तर पहुंच गए थे। वहां ईडी ने दोपहर से शाम तक उनसे पूछताछ की। शाम करीब 6 बजे दोनों ईडी दफ्तर से रवाना हो गए। फिलहाल पूछताछ के दौरान क्या सवाल जवाब हुए ईडी ने अब तक इसका खुलासा नहीं किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मामले में आरोपी पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर विजय नाहर की गिरफ्तारी के दौरान उनके घर पर दुर्गेश पाठक भी मौजूद थे और उस समय ही जांच एजेंसी ने उनका मोबाइल कब्जे में ले लिया था। इस मामले में घोटाले की जाँच की रकम गोवा चुनाव में खर्च करने की बात भी कही जा रही है और दुर्गेश पाठक पार्टी के गोवा के सह प्रभारी हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर जांच एजेंसी आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि घोटाले में और कौन कौन शामिल है और रकम का बंटवारा कैसे हुआ। जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे ईडी आगे उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। हाल ही में ईडी ने आबकारी नीति घोटाला मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 दिन के हिरासत में लेकर ईडी ने पूछताछ भी करी है। ईडी ने यह दावा किया था कि केजरीवाल ने यह बताया है कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ऐसे में ईडी द्वारा पूछताछ का सिलसिला जारी रखने से आप नेताओं की मुश्किलें जल्द कम होती नहीं दिखाई दे रही। ईडी के सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी के कई नेता और भी रडार पर हैं।